मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दारुल सफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर नया विधान भवन बनाने का किया प्रस्ताव खारिज। प्रेजेंटेशन देखने के बाद दिए निर्देश, कहा नए विधान भवन के लिए दूसरी जगह जमीन तलाशी जाएगी। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा गांधी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर पोषण माह समापन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कराया गया अंतरासन एवं गर्भवती महिलाओं की गई गोद भराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 में भारत को टीवी मुक्त करने का लिया संकल्प। उन्होंने हर ग्राम पंचायत को टीवी मुक्त कराने का अभियान किया शुरू। ग्राम मोहा में किया गया गोष्ठी का आयोजन। मुरादाबाद मंडल के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले भारत के लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि अर्पित। शेरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम भिक्कावाला में अखिल भारतीय पाल महासभा का किया गया आयोजन। सभा में लोकसभा उम्मीदवार रोशन लाल भी रहे। सभा की अध्यक्षता मूला सिंह ने की और संचालन विजय सिंह ने। चांदपुर में एक व्यक्ति के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से हुई मौत। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चांदपुर नगर में INU के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर स्कूली बच्चों के साथ निकाली गई रैली। स्वच्छ रहने व स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी 7 फीट की कोयले से बनाई तस्वीर, साथ ही लिखा मोहन से महात्मा तक। संभल में गांधी जयंती के अवसर पर सरकारी कार्यालयों एवं निजी संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। पुलिस कर्मियों को सत्य अहिंसा व सद्मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता सप्रभुता व सुरक्षा हेतु अपना योगदान करने की दिलाई गई शपथ। मनोज पारस पूर्व मंत्री एवं विधायक नगीना ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बड़े भाई के निधन पर उनके निज निवास सफाई में पहुंच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं शिवपाल यादव के साथ पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त। अमरोहा में गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी ने अम्बेडकर एवं गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किए पुष्प अर्पित। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पूर्व सांसद अमरोहा कमर सिंह तमर आदि रहे मौजूद। बिजनौर में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित करने के पश्चात अपने उद्गार किए व्यक्त। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर के अवसर पर थाना धामपुर पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्रों को माल्यार्पण कर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपथ। इस दौरान क्षेत्राधिकारी धामपुर सहित अन्य पुलिस कर्मचारीगण रहे मौजूद। बिजनौर में स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सफाई मित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया आयोजित। उत्तर प्रदेश शासन तथा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से पालिका बिजनौर के सफाई मित्रों को सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर प्रशस्ति पत्र किए गए प्रदान। गांधी जयंती के अवसर पर रोमियो ग्रुप धामपुर द्वारा किया गया नृत्य प्रतियोगिता एवं फैशन शो का आयोजन। बच्चों ने किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग।
धामपुर नगर पालिका में गांधी जयंती के उपलक्ष में पालिका के सुभाष हाल पर ध्वजारोहण रवि कुमार सिंह अध्यक्ष एवं सुभाष कुमार अधिशासी अधिकारी द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। धामपुर के राधा इंटर कॉलेज में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को दी गई श्रद्धांजलि। विकास खंड कार्यालय में विभाग प्रमुख हेमलता चौहान एवं खंड विकास अधिकारी महोदय ने रैली का किया स्वागत और चलाया स्वच्छता अभियान। अफजलगढ़ में 4 दिन से बुखार से पीड़ित 9 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। अफजलगढ़ में जैन समाज की ओर से क्षमावाणी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में एक दूसरे से क्षमा मांगी गई। महिला व बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। हरेवली क्षेत्र के ग्राम शहजादपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्मशाला में चलाया सफाई अभियान। शहारा थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड पर तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के नोगामा सादात थाना इलाके में स्कूल से घर लौट रही छात्राओं से 3 युवकों ने की छेड़खानी। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक से शिकायत की। प्रबंधक ने 2 युवकों को नामजद कराते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। संभल के नायब तहसीलदार अनुज कुमार पर हमला करने वाले 4थे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अभी भी चल रहा है फरार। संभल में दुष्कर्म के आरोपी के घर बुलडोजर से गिराने पहुंची पुलिस की चेतावनी के बाद परिजनों ने बुलडोजर के डर से आरोपी को पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।